हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजीवे। इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं। इस टेंस में वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। यानी वाक्य में भूतकाल में कार्य का निश्चित अवधि यानी किसी फिक्स टाइम से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। अर्थात दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो सेंटेंस जो वाक्य आएगा उसमें दो कार्य होंगे, दोनों कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरे बाद में। यानी एक कार्य पहले समाप्त होगा उसके बाद दूसरा। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द पाए जाते हैं। रूल वन, एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैड लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। यानी कर्ता जब सिंगुलर हो या प्लुरल हो उसके साथ क्या हैड लगाएंगे, सिंगुलर के साथ भी और प्लुरल के साथ भी हैड लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। रूल टू, जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल में जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल में पाए जाएं उनमें से जो काम, देखिए जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल में पाए जाएंगे उनमें से जो काम पहले समाप्त हो चुका हो, यानी दो में से एक पहले जो समाप्त हो चुका उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद, पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार अनुवाद करेंगे। अर्थात हैड सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड लगाएंगे, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जो कार्य बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट टेंस के अनुसार करेंगे। अर्थात सबसे सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया के सेकेंड फॉर्म यानी सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दो नियम को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, ये एक पूरा सेंटेंस है। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, इसमें दो काम हो रहा है। एक वर्षा होने से पहले यानी वर्षा को होने से पहले हम क्या करें, घर पहुंच चुके थे। ठीक है, तो इससे पहले ये हो चुका है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो इसको अनुवाद हम करेंगे, सबसे पहले इसको अनुवाद करेंगे और किसके अंतर्गत, पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार, पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार इसको अनुवाद करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री। ठीक है, तो इसको हम घर पहुँच चुके थे, वी हैड रीच्ड, या सब्जेक्ट कैसा है, हम है, तो सब्जेक्ट प्लुरल है, वी हैड रीच होम भी थ्री, वी हैड रीच्ड होम, ये हो गया वर्षा होने से पहले। अब इसके बाद इसको अनुवाद करेंगे, वर्षा होने से पहले बिफोर इट रेंड। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छुप चुकी थी, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या हो चुका था, गाड़ी निकल गई थी, छूट चुकी थी। ठीक है, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ये काम हो चुका था, क्या हो चुका था, गाड़ी छूट चुकी थी। तो पहले इसका अनुवाद करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, हैड लगा हुआ है प्लस वी थ्री, और उसके बाद इसको करेंगे सिंपल पास्ट से, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड वी टू द स्टेशन। सोने से पहले वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी, सोने से पहले वो क्या, सोने से पहले वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी, यानी सोने से पहले क्या किया, खत्म हो चुका, पढ़ा, अपना किताब पढ़ चुकी थी, इससे पहले वो एक काम कर चुकी है सोने से पहले, तो इसका अनुवाद करेंगे वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी, सी हैड रीड हर बुक। इसको पास्ट परफेक्ट से करेंगे, सी हैड रीड हर बुक, उसके बाद सोने से पहले, बिफोर सी स्लिप्ड वी टू, ये हो गया वी थ्री। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया, पहले क्या हुआ, अपना पाठ याद किया, उसके बाद राम स्कूल चला गया। वी वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्न्ड हिज लेसन, ये हुआ आपका
पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस। थैंक यू।